नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं CKA न्यूज़ चोगामा की आवाज़ को। आज नगरपालिका में हुई बोर्ड की बैठक संपन्न, कई ऐतिहासिक प्रस्ताव किए गए पारित, लगभग 200 करोड़ का बजट हुआ पारित, लंबे समय से लंबित दुकानों के प्रकरण का हुआ निस्तारण, बोली पालिका अध्यक्ष, शहर में बहेगी विकास की गंगा, अधिकारी को दिए गए कड़े निर्देश, 13 जुलाई को बोर्ड बैठक आयोजित की जाएगी, एजेंडा करें तैयार, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। दोस्तों आपको बता दें कि आज दिनांक 18 जून को लगभग दोपहर 2:30 पर पालिका सभा कक्ष के हुए भव्य सौंदर्यीकरण का डॉक्टर संजीव बालियान जी और माननीय अध्यक्ष महोदय श्री मिनती एनजीओ अग्रवाल के द्वारा रिबन काटकर लोकार्पण किया गया। इसके पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभा में मौजूद केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी और राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल का बुके भेंट कर बोर्ड बैठक में स्वागत किया गया। तत्पश्चात माननीय सभासदगण के द्वारा भी दोनों माननीय मंत्रीगण का स्वागत किया गया। इसके पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में अपना व्यक्तित्व देते हुए कहा गया कि पूरा एजेंडा विकास का है, इसमें लगभग 200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। इसके अलावा हमारी सरकार की नीति के अनुसार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का अनुसरण करते हुए समस्त वार्डों में विकास कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। चोगामा की आवाज़ के लिए संवाददाता काशिफ जमाल की रिपोर्ट। दोस्तों इसी तरह की खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज हमारी जो है लगभग 200 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है, जो अहम है। और आज की जो हमारी बोर्ड मीटिंग है ऐतिहासिक है, क्योंकि जो कार्य कभी 100 साल में भी नहीं हुए हैं। मैंने पीछे पूरे सारे के सारे दस्तावेज निकलवा करके दिखवाए हैं, जो काम कभी 100 साल में भी नहीं हुए वो आज हमने बोर्ड में रखे हैं प्रस्ताव। क्योंकि बोर्ड फंड जो कभी 15 करोड़ लॉस में था, उसके बाद हमने 16 करोड़ के कब्जे कराए और अब एक मुश्त पैसा हमने 14.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य रखे। सैकड़ों दुकानदारों का एक बड़ा विवाद काफी समय से चलता आ रहा था, आज उसे भी निपटारा कैसे? उसका भी निस्तारण हुआ है, क्योंकि बहुत समय से लटका हुआ था। हमारे जितने भी 509 दुकानदार भाई हैं हमारे, ये बहुत परेशान थे और मैंने उनसे यही कहा था कि आप मेरे कार्यकाल में करा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत मुश्किल से जद्दोजहद करने के बाद ये प्रस्ताव रखा गया है, क्योंकि कुछ लोगों को टांग अड़ाने की आदत है, बहुत लोग टांग अड़ा रहे हैं। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए बहुत सुंदर लगाया गया है, ये तो लगाया गया है। इसके अलावा बहुत प्रस्ताव रखे हैं, CNG गैस प्लांट लगाएंगे, पेट्रोल डीजल प्लांट लगाएंगे। हमने एक क्या कहते हैं वो बनाया है 10 लाख के, उसमें जो है कावड़ का रखा है बरातगढ़, अपनी जो कब्जा मुक्त भूमि कराई, पहले उसकी चार दीवारी करी, उसको बहुत सुंदर बना करके वहाँ पर जो है हम 10 लाख के उससे जो है